ऑडियो मर्जिंग बहुत ही सिंपल चीज है, बट इसे लोग कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं क्योंकि कैसे करें यही नहीं पता। सो इन टुडेज वीडियो मैं आपको बताऊंगा सेपरेटली रिकॉर्डेड ऑडियो या वीडियो को मर्ज कैसे करना है, एंड साथ ही कुछ ऐसे टिप्स और वीडियो क्रिएशन टेक्निक्स जो आपके वीडियो क्रिएशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। आपने बहुत सारे क्रिएटर्स के वीडियोस को देखा होगा एंड आप में से बहुतों को लगता होगा कि वीडियो के साथ ही ऑडियो रिकॉर्ड किया गया है, बट ऐसा होता नहीं है। लाइक आप मेरा ही देख लो, मेरे पास जो माइक है वो यूएसबी वाला है और इसे मैं अपने मोबाइल फोन में या फिर कैमरा में लगाऊं कैसे। अब जिनके पास XLR माइक है वो क्या करेंगे, वही बात आ जाए पॉडकास्ट वीडियोस पे, तो फिर क्या करेंगे। दैट्स व्हाई ऑडियो मर्जिंग बहुत ही ज्यादा सिंपल हो करके भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे वीडियोस में, और इसे सीखने में आपको कुछ सेकंड्स ही लगने वाले हैं। सबसे पहले कुछ वीडियोस को शूट कर लेते हैं ताकि आपको भी अच्छे से आइडिया हो जाए कि हम इसे मर्ज कैसे करेंगे अलग अलग ऑडियोस को और वीडियोस को। लाइक आज के वीडियो में भी अगर आप देखो तो मैं दो कैमरा सेटअप यूज कर रहा हूँ और एक माइक है। तो ये है हमारा फर्स्ट शूट जिसे हम कर रहे हैं अपने सेटअप पे। यहाँ पे हमारे कैमरा से भी वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हमारे मोबाइल फोन से भी वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है और साथ ही हमारे माइक से वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब टोटल यहाँ पे 3 साउंड्स हो जाएंगे, साथ ही साथ 2 वीडियोस हो जाएंगे। अब इन्हें कैसे मर्ज करना है वो मैं आपको एडिटिंग में समझाऊंगा। तो यहाँ पे हमारा पहला शूट हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं आउटडोर जहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लोर करके चीजें बताऊंगा। अब देखो आउटडोर शूट के लिए मैं आ चुका हूँ छत, एंड यहाँ पे मैं अपने कैमरा से वीडियो और ऑडियो दोनों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट मुझे यहाँ पे चाहिए एक सेपरेट ऑडियो। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा अपना मोबाइल फोन। जैसा कि सभी फोन्स में होता है एक वॉइस रिकॉर्डर, इसमें भी है। तो सिंपली मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने वॉइस रिकॉर्डर पे, एंड यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डर आपको दिख रहा होगा। सिंपली मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ। तो अब देखो, अब हमारा वॉइस डायरेक्टली मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है, बट यहाँ पे जो ट्विस्ट है वो है कि इस ऑडियो को हम मर्ज करेंगे कैमरा वाले वीडियो से। कि मोबाइल पे जब वॉइस रिकॉर्डिंग चालू करते हो देन कैमरा के पास आपको एक बार सिमिलर वॉइस रिकॉर्ड कर लेना है, जिससे आपके कैमरा के वॉइस पे भी सिमिलर ग्राफ आ जाएगा और आपके मोबाइल से रिकॉर्डेड वॉइस पे भी एक ग्राफ आ जाएगा। अब देखो ऑडियो मर्ज करने के लिए सबसे ज्यादा जो काम आता है वो है ग्राफ, और ये आपको हर एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर में देखने को मिल जाता है, चाहे आपके पास मोबाइल फोन हो या फिर पीसी। मैं आ चुका हूँ पीसी में, एंड यहाँ पे मेरा मोबाइल का फुटेज है, कैमरा का फुटेज है और माइक से रिकॉर्डेड ऑडियो। अब इन तीनों को हम लेकर के चलते हैं अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे जो मैं यूज कर रहा हूँ प्रीमियर प्रो। यहाँ पे ऐड कर दिया है, अब इन तीनों को हमें एडजस्ट करना है। तो सिंपली मैंने इसे ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे जो ऑडियो ग्राफ्स आपको देखने को मिल रहा है, इन तीनों के ऑडियो ग्राफ को आपको अच्छे तरीके से मैच करना है। तो सबसे पहले जिस क्लिप में हमें ऑडियो ग्राफ कम दिखाई दे रहा है, जी टैप करके हम गेन को 10 या 15 बढ़ा देंगे, जिससे जो हमारा ग्राफ है वो विजिबल हो जाएगा। अब विजिबल होने के बाद इन तीनों ग्राफ को अच्छे तरीके से मैच करेंगे क्लिप को आगे पीछे करके। अच्छे तरीके से मैच कर दिया है, तो सिंपली एक बार प्ले करके देख लेते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। यहाँ पे हमारे कैमरा से भी वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अब यहाँ पे जो अनयूजेबल क्लिप्स है तो इरेज करने के बाद इतना सारा क्लिप हमारा बचा है। अब यहाँ पे मेन चीज आता है कि जो हमारा कैमरा से रिकॉर्डेड वीडियो है और जो मोबाइल से रिकॉर्डेड वीडियो है, इन दोनों में से हमें कौन सा रखना है और कितना रखना है। तो इसके लिए जिस टाइम मैं कैमरा की तरफ देख रहा हूँ उस टाइम कैमरा का फुटेज रहेगा, और जिस टाइम मैं मोबाइल की तरफ देख रहा हूँ उस टाइम मोबाइल का फुटेज रहेगा। तो यहाँ पे जो क्लिप्स मेरे यूज के हैं उसे रख करके बाकी सबको इरेज कर दिया। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे जो हमारा मोबाइल फुटेज है वो छोटा है, तो इसे सिंपली स्क्रीन पे फिट करते हैं। एंड यहाँ पे जो ऑडियो है हमारे, उसमें से सबसे पहले हम कैमरा के ऑडियो को इरेज करते हैं और माइक वाले ऑडियो को लिंक करते हैं अपने फुटेज के साथ। Ctrl+L आपको टैप करना है। यहाँ पे हमारे कैमरा से भी वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हमारे मोबाइल फोन से भी वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है और साथ ही हमारे माइक से वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है। अब आते हैं मोबाइल फोन पे। तो यहाँ पे मैं एडिटिंग के लिए यूज कर रहा हूँ VN, एंड यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब सिंपली यहाँ पे मैं सबसे पहले फुटेज को ऐड करता हूँ एंड उसके ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करता हूँ ताकि उसका ग्राफ हमें विजिबल हो सके। एंड देन मैंने ऐड किया ऑडियो जो मैंने एक्सटर्नली दूसरे मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करा है। अब यहाँ पे इन दोनों ग्राफ को हमें मैच करना है, जैसे हमने पीसी के वीडियो में करा था। तो यहाँ पे सारी चीजें आपके सामने कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे जो ग्राफ है वो अच्छे तरीके से मैच हो चुका है। तो यहाँ पे भी हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं ताकि एक क्लैरिटी आ जाए। तो अब देखो, अब हमारा वॉइस डायरेक्टली मोबाइल से रिकॉर्ड हो, तो सिंपली आप मोबाइल फोन पे भी अच्छे तरीके से ऑडियो और वीडियो को मर्ज कर सकते हो, और जैसे मैंने पीसी में बताया वैसा आप इस पे भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको मर्ज करके दिखाया है अपने पीसी में Adobe Premiere Pro के जरिए, एंड साथ ही मोबाइल फोन पे VN का यूज करा हमने। तो इन दिस वीडियो मैंने आपको काफी सारे शॉर्ट्स भी दिखाए और कैसे करना है ये भी बता दिया। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड ऐसे वीडियोस लगातार देखने के लिए इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, और हाँ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।